हेलो दोस्तों, तो आज का ये वीडियो हम लोग बैंक निफ्टी का इंट्राडे के ऊपर करेंगे। बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे इंट्राडे लगाएं, कहां पे घुसे कहां पे निकले, ये बहुत जन ने पूछा है। तो और ये भी उनका क्वेश्चन है कि अगर हम लोग बिना इंडिकेटर में कभी घुस सकते हैं कि नहीं घुस सकते। हाँ, जरूर घुस सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसमें कोई भी इंडिकेटर का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मार्केट नोटिस करना है पहला 15 मिनट, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि घुसना है कि शॉर्ट करना है, ऊपर जाना है या लॉन्ग या शॉर्ट करना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सब इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको मैं सब कुछ हटा देता हूँ, यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा क्लियर चार्ट, इसको ओपन कर लेते हैं। मैं पहले बैंक निफ्टी खोल लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका सी खुला हुआ था, इसको पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी खोल लिया, यहाँ से इंडिकेटर सब कुछ हटा दिया। तो ये मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को इसमें देखना है कि पहला 15 मिनट का कैंडल। तो मैंने पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि दिन का शुरू में टिल 10 AM 10:30 AM हम लोग कोई ट्रेड लेंगे नहीं इंट्राडे में, क्योंकि क्या होता है मार्केट कभी कभी रिवर्स कर जाता है। 10:30 तक पूरा पता ही चल जाता है आपको 11 AM कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा डायरेक्शन में जाने वाला है। कभी कभी क्या होता है अप ट्रेंड में रहता है, अचानक से वो डाउन ट्रेंड में आके मार्केट का रिवर्सल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 10:30 या 12 o'clock तक हम लोग पूरा ट्रेड कंप्लीट कर चुके होंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को नोटिस करना है कि पहला 15 मिनट का कैंडल में क्या होता है। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब 1, 2, 3 कैंडल, 5 मिनट × 3 मतलब 15 मिनट। तो पहला 15 मिनट क्या होता है, 1, 2, 3 कैंडल में मेरा कौन सा हाई होगा और कौन सा मेरा लो होगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूंगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूंगा। तो ये देखिए 25 तारीख का, तो ये मेरा पहला, देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में 1, 2, 3 कैंडल में मेरा हाई ये रहा। तो यहां से मेरा ये वाला हाई हो गया, और अगर लो देखेंगे तो लो मेरा ये बन चुका है। तो मुझे ये नोटिस करना है कि ये जो पहला 15 मिनट का मेरा हाई और लो है, इसको कोई भी कैंडल अगर तोड़ता है, अगर ज्यादा वॉल्यूम से तोड़ता है, उसको क्लोजिंग होने का पहले हम लोग घुस जाएंगे लॉन्ग पे, या तो अगले कैंडल के ओपनिंग में हम लोग लॉन्ग कर देंगे। अगर ये तीनों को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है कोई कैंडल, तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 1, 2, 3 कैंडल का हाई ये था और ये लो था, तो इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। तो हम लोग लगभग अराउंड 35046 बैंक निफ्टी जब रहेगा, यहाँ पे हम लोग एंटर कर सकते हैं, या तो इस कैंडल का ओपनिंग में और यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं दूसरा कोई दिन का। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, तो इस तीनों कैंडल का आपका हाई बन गया है ये बन गया आपका पहला 15 मिनट का हाई, और ये बन गया आपका पहला 15 मिनट का लो। इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं, सिर्फ आपको प्राइस एक्शन देख के आपको समझना है क्या करना है नहीं करना है। तो ये कैंडल देखिए बहुत यहाँ पे हुआ, ये कैंडल बहुत अच्छा तरीके से इसको ब्रेकआउट दिया। तो ये ब्रेकआउट देने का ऑलमोस्ट जब कैंडल क्लोजिंग होने वाला है, उसका थोड़ी देर पहले हम लोग को बाय कर लेना है। तो हम लोग लगभग 34767 में अगर हम लोग बाय करते हैं, तो यहां से ये लगभग 34804 तक हम लोग टारगेट लेके जा सकते हैं। ठीक है, और कोई एक दिन देख लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी में है क्या कि आपको यहां पे अगर करना है तो आपको इसका ऑप्शंस बाय करना पड़ेगा। तो हम लोग ऑप्शंस में भी देख लेंगे, और एक दिन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शंस में जाएंगे। तो यहां पे है ये देखिए, इसका हाई बन गया और उसका लो 1, 2, 3 कैंडल का लो बन गया आपका ये। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस लो को किसने ब्रेकआउट दिया, इस लो को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो हम लोग यहां पे घुसेंगे, तो यहां पे घुसने के बाद देखिए 34727 से ये लगभग अराउंड 34621 तक गया। तो अगर हम लोग इस दिन को देखते हैं कि ये इसका हाई ब्रेक करने वाला है, तो जब इसका प्राइस कितना था, ऑलमोस्ट 35031, तो हम लोग क्या करेंगे, 35031, तो हम लोग लगभग 35,000 सी खरीदेंगे या फिर 35,100 सी खरीदेंगे, ताकि हम लोग एट द मनी या इन द मनी ले सके। तो 35,100 सी अगर हम लोग लेते उस दिन, तो यहाँ पे देख लेते हैं उसका क्या होता है, यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। तो ये रहा दिन का शुरुआत। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कैंडल पे हम लोग घुसते हैं, ये वाला कैंडल। ठीक है, तो ये वाला कैंडल पे अगर घुसते हैं 910 रुपया, तो हम लोग यहाँ पे जो टारगेट बनाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में,
बाकी स्टॉक्स के लिए मैंने आपको बोला था कि 0.3%, यहाँ पे हम लोग टारगेट बनाएंगे 3% ऑफ द स्टॉक प्राइस। तो यहाँ पे देखिए 3% कितना होता है, 910 का 3% होता है लगभग 28 रुपीस। तो 910 से 938 मतलब 940 में हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कहाँ तक गया था, ये 949 रुपीस तक गया था। तो 28 देख लेते हैं, देखिए दूसरा दिन 24th को क्या हुआ था बैंक निफ्टी में। 24th को हम लोग जो ब्रेकआउट दिया था, हम लोग घुसने वाले थे यहाँ पे ऑलमोस्ट 935 का कैंडल का ऑलमोस्ट एंडिंग के पास। तो 935 का जो मेरा कैंडल है, 935 का ये कैंडल है, तो हम लोग ऑलमोस्ट एंडिंग के पास मतलब 768 में घुसते, 768 से ये गया था आपका 799। तो देखिए यहाँ पे भी 28 रुपये हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, अभी यही एक स्ट्रेटेजी है जहां पे हम लोग सुबह अराउंड 9:35 से लेके 10 बजे तक हम लोग ट्रेड में घुस जाएंगे और ऑलमोस्ट एक घंटे का अंदर हम लोग का ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ना कोई इंडिकेटर है, ना कुछ मतलब मूविंग एवरेज, कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ आपको पहला 15 मिनट का कैंडल देखना है, उसी के ऊपर हम लोग को ट्रेड करना है। और ये ध्यान में रखिए कि आपका जो टारगेट रहेगा वो 3% ही रहेगा, उससे ज्यादा मत रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका 9:30 मतलब 10:30 बजे का बाद या फिर 11 बजे आपका मार्केट रिवर्स हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप आ रहा था, यहाँ पे कभी कभी आप सोचिए कोई भी आप ये ऊपर गया थोड़ा वो ज्यादा ऊपर गया फिर आपका अचानक से नीचे आ गया, तो वहां पे क्या होगा आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे और इसमें हाँ अभी कोई भी आपका चीज रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, इसका स्टॉप लॉस रहेगा एकदम नीचे, जो पहला कैंडल का आपका एकदम जो नीचे वाला लाइन बनाया है उससे थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या दिक्कत है इसमें, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं सिर्फ 3% और यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना ज्यादा रख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है कि आपका यहाँ पे जब ये अप ट्रेंड जाता है तो इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट करने का चांस बहुत ही कम है, स्टॉप लॉस हिट करेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपका एक ट्रेंड एकदम आपका पहला 15 मिनट का कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जाता है उसका ट्रेंड बहुत ज्यादा अप ट्रेंड है, तो वो आपका 28 रुपए का टारगेट तो देगा ही देगा। अगर वो नीचे आता है तो उसके बाद ही आएगा। सिमिलरली अगर ये डाउन ट्रेंड रहा तो अगर ये इसका दिन का लो काट देता है तो यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि यहाँ का जो पहला 15 मिनट का जो हाई बना और जो पहला 15 मिनट का लो बना, इन दोनों का डिफरेंस, जो प्राइस का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 1% से कम रखिएगा। अगर सोचिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इसका हाई कहाँ बना, 35,100 CE अगर मैं देखता हूँ तो इसका हाई बना है अराउंड 909 और इसका लो कितना बना है अराउंड 855 और यहाँ पे 90, मैं आपको सॉरी 1% बोला, ये 10% का बात बोल रहा था ना, 10%। तो यहाँ पे देखिए ये 909 से 855 ये 10% से कम है, तो हम लोग इसमें घुस सकते हैं। अगर कोई स्टॉक का डिफरेंस दोनों का अगर वो 10% से ज्यादा होता है, देखिए 753 और ये रहा आपका ऑलमोस्ट 718, तो आपका ये 10% से कम है। ठीक है, अगर कोई चीज का 10% से ज्यादा होता है जो एक दिन में वेरी कर रहा है, मतलब ये देखिए आपका बैंक निफ्टी 35,100 CE का है ये, तो यहाँ पे प्राइस आपका लिखा रहता है, तो इस प्राइस का अगर 10% पहला 15 मिनट में ही आपका ये वेरियंस आ जाता है तो उस दिन हम लोग उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो शायद साइडवेज भी जा सकता है मार्केट या फिर रिवर्स कर जाए। तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये 35,100 CE में आपका यहाँ पे घुसे और आपका टारगेट लेकर निकल गए। अभी हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी 35,200 CE में देख लेते हैं, ये ज्यादा आउट ऑफ मनी हो जा रहा है। अभी एक बात है कि जितना आपका इन द मनी रहेगा या एट द मनी रहेगा उतना आपको क्या करना है, ये आपने पकड़ा है यहाँ पे, आपको कितना परसेंट लेना है इसका, 3%। अगर आप ज्यादा आउट ऑफ मनी में जाएंगे तो वो 3% से आपको धीरे धीरे परसेंटेज घटाना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए 35,200 में आप देखिए 35,200 में ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट्स आपको मिलेगा 853 से लेके अराउंड 895, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कम हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर मैं 36,000 पे लिखता हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी 36,000 CE, तो बैंक निफ्टी 36,000 CE अगर देखते हैं यहाँ पे देखिए ये बना आपका पहला कैंडल, ये बना दूसरा, तो इसको आपका ब्रेकआउट यहाँ पे मिला। तो अगर आप लोग यहाँ पे फोर्थ कैंडल का बैंक निफ्टी जैसा था, यहाँ पे फिफ्थ कैंडल में हम लोग घुसते हैं तो यहाँ से 499 से लेके ये गया था लगभग आपका 524, तो यहाँ पे आप मूवमेंट देखिए कितना कम हो गया,
तो इसीलिए आप जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे आपका जो टारगेट रहेगा परसेंटेज वो 3% से धीरे धीरे घटाते रहिएगा। अगर आप एकदम एट द मनी या इन द मनी रहते हैं एकदम क्लोज टू द स्ट्राइक प्राइस तो आपका वहां पे क्या रहेगा, वहां पे आपका परसेंटेज मैक्सिमम 3%। अगर थोड़ा ज्यादा जाएगा तो आप धीरे धीरे उसको 2%, 2.5%, 1.5% तक आप ले सकते हैं। तो ये आज का इंट्राडे का हमारा स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहा। अभी कुछ जनों ने मुझे ये पूछा था कि हम लोग नेक्स्ट वीक में कौन सा ट्रेड में लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं, तो मैं थोड़ा लास्ट में बता देता हूँ कि कैसे हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 9 मूविंग एवरेज, अगर वन डे का टाइम फ्रेम में 9 मूविंग एवरेज 55 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करता है और RSI 55 के ऊपर रहता है तो तभी हम लोग उसको बाई करेंगे। तो हम लोग को इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे पहले गूगल में जाएंगे, हम लोग को एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जहां से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा लेटेस्ट कोई स्टॉक उसका 9 मूविंग एवरेज 55 को कट करके नीचे से ऊपर गया कि नहीं जो लास्ट दिन में था। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 9 EMM प्रोसेस, ये देखिए चार्ट लिंक में ये एक आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लगा भी काम कर सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रीक में करते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, सही है ये। तो यहाँ पे देखिए ये में 9 मूविंग एवरेज क्रॉस्ड ओवर 55 मूविंग एवरेज यहाँ पे है, तो इसको मैं 10 मिनट को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे लेटेस्ट कर दूंगा डेली कैंडल में और इसको भी कर दूंगा लेटेस्ट, तो मुझे पता चल जाएगा लेटेस्ट डेली कैंडल में कौन सा स्टॉक में 9 मूविंग एवरेज 55 को कट करके नीचे से ऊपर गया, तो ये मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी दिन हो आप इसको टेस्ट कीजिए, देखिए आपको स्टॉक का नाम पता चल जाएगा। आप यहाँ पे रन स्कैन कीजिए, यहाँ पे देखिए दो स्टॉक का नाम आया, अशोक लीलैंड एंड सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अशोक लीलैंड, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो अशोक लीलैंड को ऐड किया। यहाँ पे हम लोग स्टडीज में जाते हैं तो मूविंग एवरेज को यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं 9 मूविंग एवरेज और सिंपल को हम लोग कर देंगे एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और एक हम लोग लगा लेंगे मूविंग एवरेज, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 55 मूविंग एवरेज और इसको करेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल, इसका कलर हम लोग कर देंगे ब्लू, ठीक है। तो ये रहा हमारा 55, ये रहा हमारा 9, तो अशोक लीलैंड को देख सकते हैं कि इसका वन डे का टाइम फ्रेम हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसको वन डे कर लेते हैं, तो वन डे का टाइम फ्रेम में देखिए जस्ट क्रॉस किया यहाँ पे नीचे आके फिर ऊपर गया। तो अभी यहाँ पे ये स्टॉक को बाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको बताना कि इसको बाई कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे हम लोग RSI भी लगा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या हालत है RSI का। RSI तो RSI में यहाँ पे जाके इसको हम लोग कर देंगे 55 और इसको हम लोग कर देते हैं 40, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RSI भी आपका ऑलमोस्ट 55 का नीचे ही है, तो अभी इसमें कोई हम लोग को इंडिकेशन नहीं मिलता है कि इसको बाई कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, और एक स्टॉक हम लोग का जो पास में आया वो है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, ये आ गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या हालत है इसका। तो इसका भी देखिए 9 मूविंग एवरेज इसको कट करके जस्ट ऊपर गया है, लेकिन हम लोग क्या डिसाइड किए थे कि RSI भी ऊपर है, लेकिन अगर जिस दिन कट करता है उसके अगले दिन वाला कैंडल अगर अप ट्रेंड में रहा तो उसका थर्ड दिन में हम लोग एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेकेंड डे में ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा गैप अप तो हुआ था यहाँ पे लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो हम लोग को अगले दिन देखना है अगर ये अप ट्रेंड में रहा। और यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करेंगे कि वन डे का चार्ट में, तो यहाँ पे देखिए इसका एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है जहां से ये रिटर्न बैक आया है, ये जगह एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है इसका 178 से लेके 180 के आसपास, यहाँ से ये बार बार रिटर्न आते गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से भी आया था रिटर्न, यहाँ से कंटिन्यूअस यहाँ पे रेजिस्टेंस मारते गया है, तो हम लोग कल का यहाँ पे नोटिस करेंगे अगर ये अपट्रेंड में रहा तो यहाँ पे हम लोग टारगेट बना सकते हैं लगभग, अगर ये अपट्रेंड में स्टार्ट हो 176 तो हम लोग इसको लगभग अराउंड ये अगर एक दो दिन के अंदर 179-180 को क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ से अराउंड 10 रुपया का टारगेट बना सकते हैं जो कि वो अगला 10 से 15 दिन में जा सकता है। तो अभी भी इसमें कोई बाय सिग्नल है नहीं क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड दिखा गया है, तो अभी सिर्फ दो ही स्टॉक है अशोक लीलैंड और आपका सिटी बैंक, ये दोनों में आपका 9 मूविंग एवरेज 55 को कट किया है, लेकिन देयर इज नो स्पेसिफिक आपका कोई इंडिकेशन कि इसमें हम लोग बाय करना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का पहले
आप उसको बैक टेस्ट कीजिएगा, आप बहुत सारा स्टॉक को देखिए स्ट्रेटेजी काम कर रहा है कि नहीं। और हम आज जो इंट्राडे का वीडियो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था बैंक निफ्टी वालों के लिए, जो लोग बैंक निफ्टी में करने वाले हैं इंट्राडे, तो ये आप पहले बैक टेस्ट कीजिए, देखिए ये काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है तो उसके बाद आप ट्रेड में घुसिए। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।